अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस से। आज हम आपको डिसेबल पर्सन के लिए मैकेनिकल रैंप दिखाएंगे कि वो किस तरह यूज़ किया जाता है। अगर किसी का रैंप हाई होगा, हाइट पे होगा, तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से ये लाएं और ये देखिएगा कि अपनी जगह को छोड़ता हुआ नीचे रैंप से ये ऊपर वाले रैंप पे ले जाएगा और अभी अपनी हाइट पर जा रहा है ताकि अगर कोई डिसेबल पर्सन जो यहाँ से व्हील चेयर में ना जा सके तो इसके थ्रू उसको ऊपर ले जाया जाए। और ये देखिएगा कि यहाँ पे आके ये उस लेवल पे पहुँच गया और फिर यहाँ से व्हील चेयर से वो अंदर चला जाएगा। इसका अगर मैकेनिज्म देखना चाहें तो नीचे ये क्रॉस में इसका लीवर बनाया है और जो के ऑपरेट होता है न्यूमेटिकली सिलेंडर के थ्रू, और ये नीचे फिट है। और ये फ्यूचर में अगर कहीं किसी जगह इसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको देख के इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है और एक कैंची की शक्ल में जैसी कैंची को ऊपर को लाएंगे, खोलेंगे तो ये अपनी हाइट पे चला जाएगा, और जैसे इसको नीचे लाएंगे, अभी आप देखें न्यूमेटिक सिलेंडर यहाँ पे लगा है, एक छोटा सा कंप्रेसर, और ये इसको अपनी जगह पे ले जाएगा। ये बुज़ुर्ग हजरात के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि अगर रैंप की स्लोप ज़्यादा होगा या वहाँ पे व्हील चेयर को चढ़ाना मुश्किल होगा तो ईजली इसके थ्रू हम ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए बेस में आ गया है। और इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैकेनिकल रैंप पसंद आया होगा और इसको जहाँ भी हाई राइज बिल्डिंग है दिखाई ईजी इसका डिज़ाइन है, इसको बनाएं और लोकल तैयार करें और इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।